भंगा गांव में 2 दिवसीय विशाल संतमत सत्संग का आयोजन। बुरे विचारों को त्याग कर सभ्य समाज का निर्माण करना ही हमारा दायित्व। फलका प्रखंड के स्वामी परमहंस महर्षि जी के कर्म भूमि भंगाहा गांव में हो रहे भव्य संतमत सत्संग समारोह में प्रवचन करते हुए परम पूज्य महर्षि दास के अन्य शिष्य स्वामी सत्यनारायण जी महाराज ने कहा कि समाज को बुरे विचारों से मुक्त कर सभ्य समाज का निर्माण ही सत्संग है। ग्रस्त जीवन का निर्वाहन करते हुए सत्संग व संन्यास को प्राप्त करना इंसान के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। नशा मुक्त समाज बनने के लिए सामाजिक स्तर पर पहल करना हमारा दायित्व होना चाहिए। झूठ बोलना, चोरी करना, लोगों की निंदा करना सबसे बड़ा पाप है। भंगाहा हाई स्कूल मैदान सत्संग प्रेमियों से खचाखच भरा दिखाई दिया। लोगों की भीड़ सत्संग समागम के लिए उमड़ पड़ी। उन्होंने कहा कि सत्य कर्मों पर चलते हुए समाज को नशा मुक्त, शाकाहारी, हिंसा, बुरे विचारों से मुक्त कर सभ्य समाज का निर्माण करना हमारा दायित्व है। परमात्मा के प्रति के बगैर मनुष्य को सुख की प्राप्ति संभव नहीं है और परमात्मा की प्राप्ति बगैर गुरु नहीं हो सकते हैं। उन्होंने सभी धर्मों के गुरु के बारे में प्रवचन दिए। इस दौरान रविवार को भंगाहा गांव में सतमत सत्संग ध्यान अधिवेशन के अवसर पर पूर्व मुखिया किरण पटेल ने अपने निजी कोष भंगा सत्संग मंदिर प्रांगण में सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण संतमत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी सत्यानंद जी महाराज के हाथों किया गया। प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम के क्रम में सत्संग मंदिर परिसर में सत्संग प्रेमियों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने कहा कि भंगाहा गांव के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि यहां मंदिर में सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का संगमरमर का प्रतिमा स्थापित किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि जीवन बहुत लंबा है, जीव कभी नहीं मरता है, आत्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंग है। जो ईश्वर को प्राप्त करेगी उनकी सब इच्छाएं चली जाएगी। जो अपनी आत्मा से पहचान सको वही ईश्वर है। जीव मुखिया किरण पटेल ने बताया कि बहुत दिनों से दिली इच्छा थी स्वामी महर्षि में ही महाराज का प्रतिमा का अनावरण के परम शिष्य स्वामी महर्षि में ही महाराज का प्रतिमा का अनावरण उनके परम शिष्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज के हाथों किए जाएं।